शारदा माता मंदिर का अद्भुत रहस्य क्या है, इसका रहस्य चलिए जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मैहर माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से ही घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं, अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को आज तक कोई भी व्यक्ति सुलझा नहीं पाया है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। मान्यता है कि माँ के परम भक्त आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त है। लोगों की मान्यता है कि आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर माता ने अमर होने का वरदान दिया था। माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति स्थापना विक्रम संवत 567 में की गई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।